विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में और केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ महासत्याग्रह आंदोलन किया गया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो आंदोलन के प्रभाव से जनमानस में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूरी विपक्षी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर संसद में और संसद के बाहर आवाज उठा रही है। राहुल गांधी कई घोटाले के मामलों में संसदीय चैनलों के माध्यम से केंद्र सरकार और भाजपा को व्यवस्थित रूप से दुविधा में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को महसूस करने के बाद केंद्र सरकार ने राहुल गांधी पर फर्जी होने का आरोप लगाकर सच्चाई का दुरुपयोग किया है और 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने की स्थिति में पहुंच गई है। विपक्षी दल और राहुल जहां घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार और उसके नेता विपक्षी दल की आवाज दबाने के लिए उनका उपहास उड़ा रहे हैं। यह देश में लोकतंत्र की हत्या है और देश की प्रगति के लिए बहुत ही खतरनाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत था कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्षी दल को भी स्वतंत्र होना चाहिए और विपक्षी दल को संसद के माध्यम से आम लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम और मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज स्थिति अलग है। विपक्षी दल के खच्चीकरण के साथ साथ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद नरेश पुगलिया के नेतृत्व में 27 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया था। साथ ही देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सत्याग्रह के माध्यम से लोकतंत्र की मांग कर रहे और तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ जनता का विरोध दर्शा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी यांच्यावर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जी 24 तासात त्यांची मेंबरशिप पार्लमेंटची रद्द केली आहे त्याचा निषेध करण्याकरता आजचा हा सत्याग्रह विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेस चंद्रपूर जिल्ह्यातर्फे ठेवण्यात आलेला आहे। मित्रांनो, भारत देश हा लोकशाहीला मानणारा देश आहे आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीपासून तर पार्लमेंटपर्यंत ज्या काही आपल्या संस्था आहे त्या संस्था योग्य काम करीत असताना पंडित जवाहरलाल नेहरूपासून तर डॉक्टर मनमोहन सिंगजीपर्यंत सगळ्या प्रधानमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाचा सन्मान केलेला आहे। कारण देशामध्ये विरोधी पक्ष सक्षम नसेल तर लोकांच्या जनतेच्या ज्या काही अडचणी असतील ज्या काही भावना असतील त्या पार्लमेंटच्या माध्यमातून विधानसभेच्या माध्यमातून अनेक ज्या फोरम आहेत त्यांच्या माध्यमातून समोर यायच्या असतील तर त्याकरता लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचा सन्मान झालाच पाहिजे। पण आजची जी परिस्थिती आहे विरोधी पक्षाचे गणचेपी त्यांच्या मागं ईडी लावणं त्यांच्या मागं सीबीआय लावणं त्यांची 24 तासांमध्ये पार्लमेंटची मेंबरशिप रद्द करणं अशा प्रकारचे कृत्य आजची केंद्र सरकार व भाजपापर्यंत सरकार करीत आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि त्याकरताच आज इथं हा मोठ्या प्रमाणामध्ये सत्याग्रहाचा हा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रपूर से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताड़े।